नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली के आंवला में द जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार संगठन ने 5 सूत्रीय ज्ञापन। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी आंवला सौंपा। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसकी जाँच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। पत्रकार बंधुओं को उनकी सही आईडी के आधार पर उन्हें अधिकारी द्वारा खबर कवरेज में सहयोग दिया जाए। पत्रकार बंधुओं के लिए अलग नियम लागू किए जाएं, जैसे वह किसी भी कार्य दिवस में जाए तो उन्हें सम्मानित स्थिति में रखा जाए। पत्रकार को खबर कवरेज करने में किसी भी अधिकारी द्वारा रोका न जाए। पत्रकार बंधुओं को हर तहसील स्तर पर एक मीडिया हॉल का निर्माण सरकार द्वारा किया जाए, ताकि वह वहीं बैठकर खबर कवरेज की प्रक्रिया पूर्ण कर सके। आए दिन पत्रकार पर खबर को लेकर टीका टिप्पणी करना, पत्रकार पर बिना जांच के ही पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही करना, पत्रकार को राह चलते धमकियां देना या पत्रकार की हत्या कर देना, इस संदर्भ में पत्रकार बंधुओं को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रणाली बनाकर न्याय दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुजफ्फरपुर में बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे पत्रकार की रास्ते में मिले बदमाशों ने चाकू से गोदकर विशाल हत्या कर दी थी। इससे समस्त पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त किया एवं उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान मौजूद रहे अवधेश यादव, प्रदेश महासचिव राजकमल चौहान, तहसील संरक्षक एवं तहसील अध्यक्ष सुधीर शर्मा, मंडल मीडिया प्रभारी आशीष शर्मा, तहसील सचिव आशीष तिवारी, मंडल महासचिव राजेश यादव, शहनशाह सचिन सक्सेना, सचिन कुमार शर्मा, अनिकेत कुमार रवि आदि मौजूद थे। बरेली मंडल संवाददाता सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।